डियर स्टूडेंट्स, मैं किसी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव। तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट देखिएगा, रूल देखते हैं। रूल ये अगर एक्टिव है उसके बाद पैसिव, जनरल रूल्स वही होंगे। तो देखिएगा क्या हो सकता है, यानी एक्टिव में जो सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पैसिव में बाई यूज करना है। इसमें जो होता है आपका वो क्या होता है, जब आपके सेंटेंस जो होता है सिंपल होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म होते हैं, लेकिन उसके बाद सभी में हमारे जो होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं। यानी ऐसा कर सकते हैं वी टू स्लैश वी वन को हमें चेंज करना इसमें वी थ्री में, हमेशा वी थ्री रहेगा यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। आफ्टर दैट अब बात करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है डीड लगता है, लेकिन इस डीड को हमें क्या लिखना है, वाज या वर लिखना है, ये हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। क्लियर? चलिए अब एग्जांपल से समझते। रोहन प्लक्ड अ फ्लावर, अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा हम इसको क्या लाएंगे, सब्जेक्ट बनाना इसको, यानी अ फ्लावर ये पैसिव होगा, अ फ्लावर, अ फ्लावर सिंगुलर है या प्लूरल, सो यहाँ पे क्या है सिंगुलर है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे वाज, अ फ्लावर वाज, अब क्या हो जाएगा प्लक्ड बाय रोहन। अब इसी को अगर नेगेटिव में रहता तो क्या हो जाता, चलिए नेगेटिव में क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, रोहन डिड नॉट प्लक अ फ्लावर। ठीक है, ये नेगेटिव रहा। अब नेगेटिव का हम क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, अ फ्लावर, अ फ्लावर वाज नॉट प्लक्ड बाय, वाज नॉट प्लक्ड बाय क्या होगा, यहां पे यहां पर देखिएगा रोहन हो जाएगा भाई रोहन। क्लियर हुआ? तो इंटरोगेटिव में देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से होगा, यानी डिड रोहन रोहन प्लक अ फ्लावर। Did Rohan pluck a flower? अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी क्या हो जाएगा वाज अ फ्लावर वाज अ फ्लावर प्लक्ड बाय रोहन।
क्वेश्चन मार्क्स अ फ्लावर सॉरी वाज अ फ्लावर प्लक्ड बाई रोहन, अगर इसी में क्या हो जाता हमारा, क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, यानी सेकंड टाइप सॉरी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बने। डिड रोहन रोहन नॉट प्लक अ फ्लावर, अब इसी का हम क्या करेंगे, पैसिव अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, वाज वाज अ फ्लावर नॉट प्लक्ड बाई रोहन, दिस इज सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाने हो तो क्या हो जाएगा, वाई डिड रोहन प्लक और फ्लावर, ये होंगे। अब इसी को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, देखिएगा, वाई वाई यहां पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा तो क्या हो जाएगा, वाई वाज अ फ्लावर, वाई वाज अ फ्लावर क्या हो जाएगा यहां पे, प्लक्ड प्लक्ड बाई रोहन, क्वेश्चन मार्क्स। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का नेगेटिव अगर हम बनाना चाहें क्वेश्चन क्या होगा, देखिएगा, वाई वाई डिड रोहन नॉट प्लक अ फ्लावर, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, किसमें कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में। सो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वाई वाज वाज अ फ्लावर नॉट प्लक्ड बाई विच रोहन, क्लियर, समझ में आ गई बात, ये कहीं ना कहीं गया हमारे जो है पास्ट इंडेफिनिट के सभी टाइप्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व हुए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूर दराज मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।